चलिए टीजीटी साइंस की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने आवेग की अवधारणा, संवेग की अवधारणा पढ़ ली थी, संवेग का मात्रक भी पढ़ लिया था। यहाँ से हमने निकाला था P बराबर mv से, इसको हमने कहा था किलोग्राम, इसको हमने कहा था मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक बना था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, बन जाएगा किलोग्राम का एम बनेगा, मीटर पर सेकेंड का एल टी माइनस वन बनेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा एम एल टी माइनस वन। आवेग, बढ़िया बात। तो आवेग यार क्या होता है, संवेग का बदलना ही तो आवेग है, संवेग परिवर्तन। तो किसी के परिवर्तित होने पर उसका मात्रक थोड़ी बदल जाता है, किसी के परिवर्तित होने पर उसका मात्रक थोड़ी बदल जाता है। यानी जो संवेग का मात्रक है वही संवेग परिवर्तन का मात्रक है। और संवेग परिवर्तन का एक नाम हमने लिख लिया है आवेग। नाम क्यों लिखा है आवेग, क्या जरूरत थी, इसलिए क्योंकि बल गुणा समय का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था मैच वाले कैच में, इसलिए हमने एक अलग नाम दे दिया था आवेग। तो आवेग का मात्रक भी क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वही जो संवेग का होता है। विमीय सूत्र भी वही होता है जो संवेग का होता है, क्या, एम एल टी माइनस वन, ठीक है। लेकिन आवेग को आप यूं भी डिफाइन करते हैं, आवेग को आप चाहें तो इंग्लिश में इसको इम्पल्स कहा जाता है, तो इसको चाहें तो आप आई से दिखा सकते हैं, लेकिन वैसे दिखाया नहीं जाता। तो आई बराबर आप लिख सकते हैं एफ डेल्टा टी। जो चीज़ें बिल्कुल शाश्वत उसी से दिखाई जाती हैं उनको हम फिजिक्स में खुद ही बताते रहेंगे कि इसको हम उसी से दिखाएंगे, लेकिन हर चीज़ के लिए कोई शाश्वत नियम नहीं बना है। जैसे हम चाहें तो अपनी मर्जी से आवेग को आई कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कह सकते, कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो आवेग का मात्रक अगर हम यहाँ से निकालें तो न्यूट एफ का जो बल है उसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यह हम सब लोग जानते हैं, और टाइम का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। तो एक मात्रक बन गया न्यूटन इंटू सेकेंड। यानी आप कह सकते हैं कि आवेग के दो मात्रक हैं, एक तो वही जो संवेग का है और एक वही जो न्यूटन इंटू सेकेंड है। तो आप कह सकते हैं कि क्या एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बराबर है एक न्यूटन सेकेंड के, बिल्कुल बराबर है। जो संवेग का यह मात्रक है वो आवेग का यह मात्रक, दोनों बराबर हैं। तो क्या सर ये जो संवेग का मात्रक है इसको हम आवेग का मात्रक कह रहे हैं, तो क्या जो आवेग का मात्रक आया है वो संवेग का मात्रक नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। इनमें से किसी को भी आप आवेग का मात्रक कहिए, किसी को भी संवेग का मात्रक कहिए, दोनों को आवेग का मात्रक कहिए, दोनों को संवेग का मात्रक कहिए, लेकिन चूंकि पहले वाले को आप संवेग में ज्यादा प्रिफर करते हैं इसलिए पहला संवेग में ज्यादा यूज होता आपको नजर आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि केवल पहला ही संवेग का मात्रक हो, दूसरा भी संवेग का मात्रक हो सकता है और यूज किया जा सकता है और होता है। डायमेंशनल फार्मूला निकाल लीजिए, इससे भी वही आएगा एम एल टी माइनस वन, और इससे तो एम एल टी माइनस वन आया ही है। अब आइए बात करते हैं बल के मात्रक की। बल का मात्रक भी जान लेना बहुत जरूरी है, इसमें भी गड़बड़ी होती है। जो हम जब हम बल के मात्रक को डिफाइन करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो बल के मात्रक दो तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। बल का एक होता है निरपेक्ष मात्रक। कैसा मात्रक, हमारे साथ बोला करिए, निरपेक्ष मात्रक। बोलने से आप मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और दूसरा होता है सापेक्ष, या इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय मात्रक। क्या हम बोलते हैं, गुरुत्वीय मात्रक। बल के दो मात्रक होते हैं, एक तो निरपेक्ष मात्रक होता है और दूसरा रिलेटिव या ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, इसको इंग्लिश में हम एब्सोल्यूट यूनिट कहते हैं। बल्कि ये एब्सोल्यूट यूनिट होती है और ये रिलेटिव यूनिट इसको, या हम इसको
ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। अब आपके मन में होगा कि सर अभी तक तो हम MKS और CGS और SI जैसी बातें पढ़ रहे थे, नया एक बवाल क्या आप बता रहे हो? नया बवाल नहीं है, ये सारी चीज़ें MKS और SI से होकर के ही आती हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि बल का निरपेक्ष मात्रक बताओ, तो उससे कहो तुम भकुआ हो। भकुआ हमारे क्षेत्र में पागल आदमी को मतलब मजाक में कहा जाता है। निरपेक्ष मात्रक कुछ नहीं, उससे ये पूछे कि निरपेक्ष मात्रक में SI में बताएं या CGS में बताएं या MKS में बताएं या FPS में बताएं, किस में बताएं। तो निरपेक्ष मात्रक SI में न्यूटन होता है और CGS में डाइन होता है, ठीक है ना? CGS में डाइन होता है। न्यूटन F बराबर ma से निकाल सकते हो, इसी को एक न्यूटन कहा जाता है। अब बेटा समझो, F बराबर ma पर हम आते हैं लौट के। m क्या है? किलोग्राम है। a क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो F का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन कहा जाता है। तो एक इतना जो हम यूनिट का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पूछी बहुत जाती हैं, एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही डाइन, तो इसको आप ग्राम कह लो, इसको सेंटीमीटर कह लो, तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर एक डाइन, ठीक। डाइन और न्यूटन में आपस में रिलेशन हमने करवाया था, एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन, पीछे के चैप्टर्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आइए सापेक्ष मात्रक या गुरुत्वीय मात्रक, आप लोगों ने इन चीज़ों को भी पढ़ा होगा। सापेक्ष या गुरुत्वीय मात्रक में भी दो दशाएं होंगी, एक तो SI यूनिट की दशा होगी और दूसरी CGS यूनिट की दशा होगी। देखो जो SI होता है लगभग लगभग वही MKS होता है प्रैक्टिकल में, ये आप मान के चलिए। जो बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है SI यूनिट में, जो बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है SI यूनिट में, बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है किलोग्राम भार। क्या होता है? किलोग्राम भार। तो CGS में क्या होगा? सीधी सी बात है, ग्राम भार, ठीक। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, एक वस्तु पर 10 किलोग्राम भार का बल लगाया जाता है और वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील हो जाती है, बताइए वस्तु का मास क्या है, वस्तु का द्रव्यमान क्या है? तो किलोग्राम भार से सवाल नहीं लगता, सवाल हमेशा बल के निरपेक्ष मात्रक पर पहुंचने से ही लगेगा। अर्थात किलोग्राम भार अगर बन के सवाल में आया है तो उसको न्यूटन बनाना पड़ेगा। जब तक न्यूटन नहीं बनाओगे तब तक सवाल हल नहीं होगा। तो यानी जाहिर सी बात है कि किलोग्राम भार को न्यूटन बनाने का कोई रास्ता फिर होगा। बिल्कुल, 1 किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलने के लिए जी से गुणा करते हैं। किससे करते हैं? जी से गुणा मतलब 9.8 से गुणा। और अगर यहाँ आ जाओ तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको जब सेंटीमीटर में लिखोगे तो 980 आ जाएगा। वो कोई बात नहीं, बस आप ये जान लो किलोग्राम भार को न्यूटन बनाने के लिए जी से गुणा किया जाता है, ग्राम भार को भी न्यूटन बनाने के लिए जी से गुणा किया जाता है, बशर्ते वहाँ जी MKS में होता है तो 9.8 होता है, यहाँ जी CGS में होता है तो इसलिए 980 होता है, ठीक है। अब यहाँ से सवाल लगेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा गति का दूसरा नियम, यानी न्यूटन का दूसरा नियम गति विषयक, और हमने उसी में समझा कि किस तरह से बल संवेग और आवेग के मात्रक होते हैं। संवेग और आवेग के मात्रक सेम होते हैं, दो मात्रक आते हैं, एक न्यूटन सेकंड, एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दोनों आपको याद रखने हैं। बल के सापेक्ष और निरपेक्ष मात्रक हमने आपको सिखाए हैं। निरपेक्ष मात्रक न्यूटन MKS में और CGS में डाइन होता है, और गुरुत्वीय मात्रक SI में या MKS में किलोग्राम भार होता है और CGS में ग्राम भार होता है। किलोग्राम भार और ग्राम भार में जितने भी सवाल होते हैं उनको उठा करके हम चेंज करते हैं, और जब वो चेंज हो जाते हैं न्यूटन या डाइन में, तब हम सवालों को आगे हल करना शुरू करते हैं। ये बात हो गई संवेग की,
ये बात हो गई गति के दूसरे नियम की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और गति के दूसरे नियम को अगर हम गति के दूसरे नियम को F बराबर ma में कहीं उसका त्वरण जीरो करा दें, और त्वरण जीरो कराने का सीधा सेंस ये है कि वस्तु की गति जीरो नहीं हुई है। वस्तु का त्वरण शून्य होने का मतलब ये नहीं है कि वस्तु विराम में आ गई है। वस्तु के त्वरण शून्य होने का मतलब ये है कि वस्तु एक समान गति से गतिशील है। The velocity of that body is not changing with the respect of time. That's why you are saying that the net force on that body is equal to zero. इसलिए आप ये कह सकते हैं कि net force on that body, उस वस्तु पर लगाया गया बल शून्य है। तो आप कहाँ पहुँचते हैं? आप पहुँच जाते हैं न्यूटन के प्रथम नियम में। पहली क्लास, दूसरी क्लास में हम आपको समझा रहे थे कि जो न्यूटन का पहला नियम है वो लगभग लगभग नेट बल बराबर जीरो वाली पोजीशन पे काम करता है, वहीं पे पहुँचे। यानी ये कहा जा सकता है कि न्यूटन के दूसरे नियम की उपपत्ति पहले नियम से ही हो रही है, या न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से पहले नियम पर पहुँचा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि ये दोनों बस लगभग लगभग एक दूसरे की शर्तें हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे तीसरे नियम में, और तीसरे नियम में चलने के बाद हम न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम से कई बातें सीखेंगे, संवेग संरक्षण भी सीखेंगे, संवेग संरक्षण सिद्धांत कैसे काम करता है वो भी जानेंगे। ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कमाल की चीज है, मतलब इतने कमाल की चीज है कि पूछो नहीं। क्यों? मतलब एक अजीब एक्सपीरियंस आया थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जब न्यूटन ने समझा होगा, तो कितना दिमाग उन्होंने लगा दिया होगा कि हम लोग ये कभी समझते ही नहीं हैं कि अगर हमने किसी बॉल को रोका है तो बॉल ने भी हमको उतने ही बल से धकेला है, बॉल ने भी हमको उतने ही बल से धकेला है। जैसे हम अगर ज़मीन पर खड़े हो गए तो ज़मीन भी हम पर उतना ही बल ऊपर की ओर लगा रही है। जितनी क्रिया हो रही है उतनी ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो रही है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, और इसको डिफाइन किया जाता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमने एक क्लास में बच्चे को कंटाप मार दिया, प्रश्न ये बनता है, मतलब मारा नहीं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हमने कंटाप मार दिया बच्चे को, अब वो दौर ही नहीं है कि आप बच्चे को कंटाप मारें, डांट भी नहीं सकते, आपने उसको स्पर्श कर दिया हल्का सा, तो नियम ये कहता है कि उसके गाल ने भी आपकी हथेली पर उतना ही तेज़ी से बल लगाया है, उतनी ही तेजी से बल लगाया है। तो प्रश्न बनता है कि किसने क्रिया की और किसने प्रतिक्रिया की? क्या हमारे हाथ ने क्रिया की या उसके गाल ने क्रिया की? हमारे हाथ ने प्रतिक्रिया दी कि उसके गाल ने प्रतिक्रिया दी? तो आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि काम की शुरुआत हमने करी थी, हमने उसको स्पर्श किया था, इसलिए हमने क्रिया की, बच्चे ने प्रतिक्रिया, बच्चे के गाल ने प्रतिक्रिया दी। ये सर्वथा मिथ्या है, चूँकि दोनों चीज़ें इंस्टेंटली होती हैं, देर इज नो एनी टाइम इंटरवल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन के बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, इसलिए टाइम इंटरवल ना होने के कारण उनमें से किसी एक को एक्शन और किसी दूसरे को रिएक्शन नहीं कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू NCERT। सो प्लीज़ रिमेंबर इट, वी कैन नॉट रिकोगनाइज दैट हुच इज एक्शन एंड हुच इज रिएक्शन इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन के गतिविषयक तीसरे नियम में हम एक्शन और रिएक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, एक्शन और रिएक्शन के बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है। तीसरी चीज, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग वस्तुओं पर होती है। जैसे हमारा हाथ बच्चे का गाल, हम जमीन पर खड़े हैं, हम हैं और जमीन है, तो हमेशा दो चीज़ें होंगी। एक्शन जिस पर होगा उसी पर रिएक्शन नहीं होगा, जिस पर रिएक्शन होगा उसी पर एक्शन नहीं होगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इस पर भी बहुत फोकस कराता है कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर होता है, सेम ऑब्जेक्ट्स पर एक्शन रिएक्शन ला एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम इससे क्या समझे, हम इससे समझे जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें ध्यान हो तो, अभी हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन डेमो इसका पड़ा हुआ है शायद। सर्कुलर मोशन कोई बॉल कर रही है, अगर कोई बॉल सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर सेंटर की तरफ एक बल काम करता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं या जिसे हम हिंदी में अभिकेंद्र बल कहते हैं, लेकिन एक बाहर की भी तरफ बल काम कर रहा है, इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इसे अपकेंद्र बल के नाम से जाना जाता है। दोनों ही बल इस गेंद पर काम करते हैं, एक अंदर है एक बाहर है, तो क्या नियम कहता है कि इसमें कोई एक्शन रिएक्शन है क्या, क्योंकि बराबर भी हैं विपरीत भी हैं, एक ही समय पर हो रहे हैं, तो ये क्या एक्शन रिएक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स डज नॉट अप्लाई इन द सेम एट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। फॉर एक्शन एंड रिएक्शन देयर मस्ट बी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्शन और रिएक्शन के लिए वहां पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो हम लोगों ने इस तरह की चीजें जैसे एक यहाँ पर और बहुत सार्वभौमिक प्रश्न खड़ा होता है कि मान लो हम जमीन पर खड़े हैं और जमीन जितने बल से हम जमीन को दबा रहे हैं, ये जमीन भी उतने बल से हमें ऊपर उठा रही है। मतलब अगर हम चलने के लिए आगे बल लगाएं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो प्लीज़ माइंड इट, अगर हम चलने के लिए इसमें बल लगाएं, मान लीजिए हम इसमें चलने के लिए बल लगाएं, तो पृथ्वी हमको रोकने के लिए उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। न्यूटन तो यही कहता है ना कि जितना जिस दिशा में आप एक्शन करेंगे उतना ही उस दिशा में आपका रिएक्शन होगा। मतलब अगर आप चलने के लिए 10 न्यूटन आगे लगाते हैं तो धरती रोकने के लिए 10 न्यूटन पीछे लगाती है, तो क्या आप नहीं चल पाते हैं? चल पाते हैं। अगर चल पाते हैं तो किस तरह चल पाते हैं और क्यों चल पाते हैं, इस पर प्रश्न है और जिसे हम अगले वीडियो में शॉर्ट आउट करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। TGT में अगर कोई और एडमिशन लेना चाहे तो अभी मात्र 3-4 चैप्टर ख़त्म हुए हैं, बैच तेज़ी से रन करने वाला है और तेज़ी से स्पीड बढ़ेगी इसकी, इसलिए आप चाहें तो आप अपने साथियों को सजेस्ट करिए, हमें भी लाभ होगा उन्हें भी लाभ होगा। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे थर्ड लॉ मोशन के बाद में, इन्हीं तरह की चीज़ों पर बातें करेंगे और बात करेंगे कुछ घिरने से संबंधित प्रॉब्लम्स की, कुछ दूरी से संबंधित प्रॉब्लम्स की, इस तरह के क्वेश्चंस जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आते हैं उन पर हम काम करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।